नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था, और उन्होंने अपनी नीतियों में जो भी कहा आज के वक्त में वो 100% सच हो रहा है। और उनकी नीतियों में जो भी कहा गया है उनमें से कई बातें कड़वी हैं तो कई बातें अच्छी हैं, लेकिन वह सारी बातें सच हैं। सुबह उठते ही यह काम ना करें, नहीं तो आपके सारे काम बिगड़ते ही चले जाएंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। यह सारी बातें निर्भर करती हैं आपके दिन की शुरुआत पर। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सुबह उठते ही यह काम कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन तो खराब जाएगा ही, और साथ ही में आप स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में नियंत्रण दे रहे हैं। तो इस आदत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और भी अन्य सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखकर अपने ज्ञान के भंडारे को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आप अपने ज्ञान के भंडारे को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ज्ञान से भरपूर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वह सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो किसी को अपने लिए शुभ मानते हैं और आंख खुलते ही सबसे पहले उसी का चेहरा देखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही आईने में खुद या फिर किसी और का चेहरा देखने से आप खुद को खतरे में डाल लेते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही आपको भगवान के बारे में सोचते हुए आंख खोलनी चाहिए, और साथ ही में उठते ही अपनी दोनों हथेलियों की तरफ देखना चाहिए। ऐसा करने से सारा दिन आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। ऐसा करने से दोस्तों आपका लक्ष्य आपकी तरफ खुद चलकर आता है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी बात बताई गई है कि सुबह उठते ही शंख की ध्वनि, मंदिर की घंटी की आवाज़ या फिर गायत्री मंत्र सुनना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि खास करके पुरुषों की, कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार या फिर न्यूज़ चैनल देखते हैं। दोस्तों, अखबार या फिर न्यूज़ चैनल को नकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है, और सुबह सुबह ही न्यूज़ चैनल देखना या फिर अखबार पढ़ना आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। इसके बाद दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि आप सुबह सुबह उठते ही किसी भी खूंखार जानवर की तस्वीर ना देखें, जैसे टाइगर, लोयन, और आप खुद भी किसी भी तरह की सुबह सुबह लड़ाई ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना वास्तु शास्त्र के अनुसार कठोर पाप माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि कई लोगों की आदत होती है कि वह सुबह सुबह उठते ही बिना ब्रश किए चाय पीने लगते हैं।
तो ऐसा करने से आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और यदि सुबह सुबह ब्रश करना संभव ना हो तो आप सादे पानी से कुरला कर लें, उसके बाद ही चाय पिएं। दोस्तों यह तो थी वह तीन आदतें जो अगर आपको लग चुकी हैं तो आप इन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दें। अगर नहीं लगी हैं तो आप इन आदतों को अपने आसपास भी ना भटकने दें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ऐसे ही ज्ञान से भरपूर और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बैल का आइकन है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखकर अपने ज्ञान के भंडारे को बढ़ा सकें। धन्यवाद दोस्तों।